In this video, I am going to share with you all the lifetime worldwide box office collection of Bollywood film Dil Hai Tumhara. दोस्तों मूवी दिल है तुम्हारा जो रिलीज हुई थी 6 सितंबर 2002 को, ये एक बॉलीवुड रोमांटिक कॉमेडी फैमिली ड्रामा मूवी है जिसको 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दी गई थी। इसके डायरेक्टर है कुंदन शाह, प्रोड्यूसर है कुमार तुरानी और रमेश तुरानी, इसके राइटर है कुंदन शाह और राजकुमार संतोषी। बात करते हैं कास्ट की, इसमें रेखा जी, अर्जुन रामपाल, जिम्मी शेरगिल, प्रीति जिंटा, महिमा चौधरी और आलोक नाथ, ये सारे इसमें लीड रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे। लेकिन इनके अलावा भी फिल्म के अंदर काफी सारी कास्ट सपोर्टिंग रोल में नजर आई थी। बात करते हैं बेसिक स्टोरी की, स्टोरी में क्या होता है, प्रीति जिंटा और महिमा चौधरी दोनों बहनें होती हैं, लेकिन सगी नहीं बल्कि सौतेली बहनें होती हैं। अब इन दोनों के पिता तो एक ही होते हैं लेकिन माँ अलग अलग होती है, यानी कि जो महिमा चौधरी होती है वो रेखा की बेटी होती है, रेखा जी की बेटी होती है। ऐसे में क्या होता है, अब कहानी आगे बढ़ जाती है। उससे पहले बता दें कि बचपन में ही प्रीति जिंटा की माँ और पिता दोनों की मौत हो जाती है। अब कहानी आगे बढ़ती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद प्रीति जिंटा को प्यार हो जाता है अर्जुन रामपाल के साथ। वही दिखाते हैं दूसरी तरफ महिमा चौधरी, उनको भी प्यार हो जाता है अर्जुन रामपाल के साथ। अब महिमा चौधरी अपनी माँ रेखा जी को बताती है अर्जुन रामपाल के बारे में। अब रेखा जी इन दोनों की शादी को फिक्स करवा देती है। अब इन दोनों की शादी के टाइम यानी कि शादी से कुछ टाइम पहले ही रेखा को पता चलता है कि उनकी सौतेली बेटी प्रीति जिंटा भी अर्जुन रामपाल से प्यार करती है। तो ऐसे में रेखा बहुत गुस्सा हो जाती है और वो प्रीति जिंटा को बहुत सुनाती है, उनको कहती है कि तुम महिमा चौधरी और अर्जुन रामपाल की जो मैरिज होने वाली है उसमें बिल्कुल भी किसी भी तरह का इंटरफेयर मत करो, और साथ ही ये भी बता देती है कि तुम मेरी सौतेली बेटी हो यानी कि मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं हूँ। अब ये सब जानने के बाद प्रीति जिंटा क्या करती है ये तो आप लोगों को फिल्म देख कर पता चलेगा। खैर बात करते हैं कलेक्शंस की, तो फिल्म का जो इंडिया का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था वो था 8 करोड़ 69 लाख रुपीज़ का। इंडिया का लाइफटाइम जो ग्रॉस कलेक्शन था, ग्रॉस कलेक्शन जिसमें टैक्स इंक्लूड हो जाता है वो है 14 करोड़ 15 लाख का, 14 करोड़ 15 लाख का। इंडिया से बाहर ओवरसीज मार्केट में 3 करोड़ 90 लाख, 3 करोड़ 90 लाख की कलेक्शन की थी, और सब कुछ इंक्लूड करके फिल्म का लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड जो टोटल ग्रॉस कलेक्शन था वो था 18 करोड़ 5 लाख का, 18 करोड़ 5 लाख का। इसका बजट था 7 करोड़ 25 लाख का। अब 7 करोड़ 25 लाख के बजट के हिसाब से फिल्म का जो इंडिया का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था 8 करोड़ 69 लाख का। पहले अगर हम इंडिया के नेट कलेक्शन के अकॉर्डिंग इंडिया की वर्डिट की बात करें यानी कि हिट और फ्लॉप की, तो आपको बता दें कि फिल्म दिल है तुम्हारा इंडिया के नेट कलेक्शन के अकॉर्डिंग इंडिया में तो एवरेज साबित हुई थी, लेकिन अगर हम इंडिया का नेट और इंडिया से बाहर जो 3 करोड़ 90 लाख का था अगर हम दोनों को इंक्लूड करके वर्डेड की बात करें यानी कि हिट और फ्लॉप की, तो आपको बता दें कि फिल्म दिल है तुम्हारा बॉक्स ऑफिस पर अबव एवरेज साबित हुई थी। फिल्म की ऑफिशियल वर्डिक्ट है वर्ल्ड वाइड अबव एवरेज की। गानों की बात करें तो फिल्म के गानों की एल्बम में टोटल 8 गाने थे। गानों को कंपोज किया था नदीम और श्रवण की जोड़ी ने, और गानों के जो लिरिक्स होते हैं वो लिखे थे समीर अनजान ने। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं जतिन आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉलीव्यूज का होस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी बन जाइए मेरे दोस्त। अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।